देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में पेयजल की दिक्कत को दूर करने के लिए मटेला पेयजल योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। 25 करोड़ लागत से बन रही इस पेयजल योजना से नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 1,00,000 की आबादी को पेयजल मुहैया हो सकेगा। इसके लिए इन दिनों शहर क्षेत्र में पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। अल्मोड़ा नगर में अब तक सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। बरसात के सीजन में यहां कोसी बैराज में गाद जमा होने के चलते लोगों को पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसको देखते हुए सरकार ने कोसी के मटेला में करोड़ों की पेयजल योजना को स्वीकृति दी है, जिस पर कार्य शुरू हो गया है। जल निगम के अधिशासी अभियंता केडी भट्ट ने बताया कि लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस योजना में मटेला से विक्टर मोहन जोशी जलाशय तक पानी लाया जा रहा है, जिसे नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति हो सकेगी। करीब 40,00,000 लीटर क्षमता वाले विक्टर मोहन जलाशय से नगर में 7.5 MLD पानी की सप्लाई हो सकेगी, जिससे अल्मोड़ा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत से लोगों को निजात मिल सकेगी। आप देख रहे हैं अल्मोड़ा से रक्षिता बोरा की रिपोर्ट। हाँ, आजकल राइजिंग मेन का कार्य जो है चल रहा है। शहर के आसपास की सड़कों पर जो लाइनें जानी थी वो अधिकांश डाल दिए हैं। अब मटेला से प्रारंभ करके यहाँ एंटीटी तक जोड़ना है उसको। इसको जोड़ के 7 MLD से 7.5 MLD जो है पानी हम अल्मोड़ा को देंगे, जिसको अति शीघ्र जो है 5-6 महीने के अंदर अंदर यहाँ मिलने की संभावना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।